नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन 81 सीटों वाले विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक 41 सीटों के आंकड़े को पार कर चुकी है। लिहाजा ये तय हो गया है कि बीजेपी को झारखंड में हार मिल चुकी है। लेकिन ये वही झारखंड है जहां इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में 14 सीटों में 12 सीटें बीजेपी को मिली थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य पार्टियां तो खाता भी नहीं खोल सकी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 8 महीने में ऐसा क्या हुआ कि झारखंड की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। झारखंड के लोगों में बीजेपी के खिलाफ माहौल का बनना तभी शुरू हो गया था जब मुख्यमंत्री रघुबर दास ने कॉरपोरेट के लिए रेड कॉरपोरेट बिछा दिए। दरअसल रघुबर दास सरकार ने इस आयोजन के जरिए कॉरपोरेट जगत को आश्वस्त किया कि वह उद्योगपतियों के फायदों के लिए हर स्तर पर कानूनी सुधार करेगी, फिर चाहे वो जल, जंगल, जमीन अधिग्रहण का मसला हो या फिर सस्ते श्रम का। इस क्रम में कॉरपोरेट जगत को जमीन अधिक आसानी से मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण संबंधी कानूनों को कमजोर किया। सरकार के इस कदम का तब कड़ा विरोध भी हुआ था। वहीं जल, जंगल, जमीन को लेकर पहले से ही संघर्ष झारखंड के आदिवासियों ने विरोध का नया तरीका अपनाया। SPT-CNT कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों को आदिवासियों ने अपनी स्वायत्तता पर हमला माना। इसके विरोध में 5वीं अनुसूची में शामिल प्रावधानों के तहत ग्राम सभाओं के स्तर पर पत्थलगड़ी आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय संविधान को इस आंदोलन का आधार बनाया गया। लोग अपने अपने गांवों में पत्थर गाड़ कर उस पर संविधान में वर्णित प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई न्यायाधीशों को इंगित किया था। सरकार द्वारा उनके इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की गई। इस क्रम में सरकार ने 10,000 लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया था। ये झारखंड के किसी एक जिले में नहीं बल्कि लगभग हर जिले में हुआ। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा यही रहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वही जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन की ओर से हेमंत सोरेन चेहरा बने तो दूसरी ओर बीजेपी के चेहरा थे रघुबर दास, जिनके ऊपर पहले से ही आदिवासी विरोधी होने का ठप्पा लग चुका था। दरअसल झारखंड में आदिवासियों के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी कुर्मी जाति के लोगों की है। बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह ये भी है कि आजसू के साथ बीजेपी का गठबंधन नहीं हो सका। उन्होंने राम टहल चौधरी, जो कि कुर्मी जाति के स्थापित नेता हैं, उनका टिकट लोकसभा चुनाव में कटवा दिया था, जिससे कि कुर्मी जाति के लोग इस बात से नाराज हो गए थे। इस प्रकार बीजेपी को द्विज मतदाताओं के अलावा जिस गैर आदिवासी समुदाय का समर्थन मिल जाता था, इस बार नहीं मिल सका। वहीं 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को 5 चरणों में कराया गया। बीजेपी नेतृत्व को ये उम्मीद थी कि उनके पास झारखंड की जनता को आकर्षित करने का यही सही मौका है। वे इसकी पूरी रणनीति बना भी चुके थे, लेकिन जल्द ही उनको निराशा हाथ लगी। इसी बीच पूरे देश में एनआरसी को लेकर बहस छिड़ गई और हजारों लोग सड़क पर उतर पड़े। इसका असर झारखंड के चुनाव पर भी पड़ा। वहीं चर दर चरण बीजेपी को नुकसान होता गया। इस प्रकार आखिरी कील एनआरसी पर उठे बहसों ने ठोक दी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।